भारतीय नौसेना अकादमी यानी INA के पासिंग आउट परेड में 230 नौसेना अधिकारी शामिल हुए। इनकी खास बात यह रही कि इनमें कई विदेशी नौसेना अधिकारी भी शामिल थे। मालदीव की रक्षा मंत्री भी इस पासिंग आउट परेड के साक्षी बने। तो देखिए पासिंग आउट परेड पर यह सिद्धार्थ MP की खास रिपोर्ट। मेरे अंदर जोश भर गया कि स्विमिंग तो यहाँ पर आकर सीखनी ही है। ये जो 6 महीने का कोर्स है इसमें सब कुछ बराबर है। अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, लेकिन सबकी वर्दी का रंग एक। सबका लक्ष्य भी एक। ये है भारतीय नौसेना के वो अधिकारी जिनकी बतौर कैडेट ट्रेनिंग पूरी हो गई है और अब ये कमीशन्ड ऑफिसर बन चुके हैं। और यहाँ के बाद भारतीय जल सीमा की रक्षा करना ही इनका सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। इंडियन नेवल एकेडमी यानी भारतीय नौसेना एकेडमी, ऑफिसर ऑफ द गार्ड इज वॉकिंग अनअफ्रेड। एशिया का सबसे बड़ा नेवल एकेडमी है। यहाँ से न सिर्फ भारतीय नौसेना का भविष्य तैयार होता है बल्कि पड़ोसी मित्र देशों के कैडेट भी यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। हम एशिया के सबसे बड़े नेवल एकेडमी के बाहर खड़े हैं और इस एकेडमी के अंदर जाके आपके लिए एक्सक्लूसिवली, जी मीडिया व्यूअर्स के लिए एक्सक्लूसिवली एक बहुत स्पेशल रिपोर्ट लाएंगे कि ये जो एकेडमी है इंडियन नेवी की फ्यूचर लीडरशिप को कैसे तैयार करते हैं। चारों तरफ पहाड़ और एक तरफ समुद्री किनारा तो दूसरी तरफ बैक वाटर। ये खूबसूरत नजारा अफसरों की ट्रेनिंग में 4 चांद लगा देता है। भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र है जिसे नेवैक भी कहा जाता है। केरल के किन्नूर जिले में स्थित ये नेवल एकेडमी अपने मनोरम और शांत माहौल की वजह से ट्रेनिंग के लिए एक आदर्श जगह है। यहाँ भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बलों के सभी अधिकारियों को अलग अलग कोर्स के लिए बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। INA के प्रशासनिक और बाकी काम के लिए INS जैमोरिन जहाज का प्रयोग किया जाता है। ये एकेडमी लगभग 2500 एकड़ में फैली है और इसके बाहरी इलाके का दायरा भी किलोमीटर में है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और एकेडमी के अंदर स्पोर्ट्स की ऐसी सुविधा जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। लेकिन इन सब के बीच इस एकेडमी में ऐसे योद्धाओं को तैयार किया जाता है जो सबसे चुनौतीपूर्ण हालात से निकलने की ट्रेनिंग हंसते खेलते लेते हैं। युवा लड़के और लड़कियां यहां आते हैं कैडेट बनकर और निकलते हैं अधिकारी बनकर। उनका कोर्स 6 महीने से लेकर 4 साल तक का होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे वो चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग लेते हैं। हम यहाँ के सीमेनशिप वर्कशॉप में हैं। इधर के कैडेट्स यहाँ शिप्स के बेसिक्स को सीख सकते हैं, शिप के जो भी पार्ट्स हैं, शिप के कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में सीख सकते हैं, शिप कब एंकर डालते हैं उसके ऑपरेशंस को सीख सकते हैं। इसके अलावा बेसिक मटेरियल्स को जैसे बैम्बू हैं, जैसे रोप्स हैं, इसको बांध के कैसे पूरा एक मटेरियल और मैन को ट्रांसफर करने का सिस्टम जैसे बना सकते हैं, इसका पूरा टीचिंग इधर होता है। आप देख सकते हैं कि 2 शिप्स के बीच में मैन और मटेरियल का हैवी वेट लोड ट्रांसफर करने का भी तरीका इधर सिखाया।
लगाया जाता है और रस्सी बांधना, दैट इज रिगिंग, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये साइंस एक्चुअली 25 से ज़्यादा नॉट्स इनको सीखना है सेलर्स को। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो मैनुअल सेलिंग बोट्स हैं, ये बोट्स का भी टेक्नोलॉजी इधर सीखा जाता है। और इसके अलावा ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ मिशंस हैं, उसमें भी जो भी आर्ट और साइंस यूज हो जाता है और सर्वाइवल और सेफ्टी के भी, वो भी इधर सिखाया जाता है। जाहिर तौर पर नौसेना की ट्रेनिंग है तो सब कुछ पानी से ही शुरू होता है। इनमें से कुछ कैडेट्स को तैरना आता है तो कोई ऐसे भी होते हैं जिन्हें तैराकी नहीं आती। इनमें से कुछ के लिए ये बड़ा मुश्किल साबित होता है तो कुछ जल्दी ही सीख जाते हैं। लेकिन पहले 6 महीने की ट्रेनिंग में ही ये सारे कैडेट एक अच्छे तैराक बन जाते हैं। स्विमिंग सीखना हर नेवल ऑफिसर का प्राइमरी एक्टिविटी है और जब ये लोग आते हैं स्कूल कंप्लीट करके, इधर इन लोगों को तैरना नहीं आती है, पर 6 महीनों में इनको तैरना सीखना भी है और तैरने में ज़्यादा प्रोफिशिएंसी भी डेवलप करना है। पहले 50 मीटर स्विम करना है और फाइनली जब कोर्स कंप्लीट करते हैं इनको 1.5 किलोमीटर की स्विमिंग करनी है और वो भी पूरे यूनिफॉर्म में, पूरे यूनिफॉर्म के वेट में। नेवी इनको ट्रेन करते हैं बेस्ट केस सिनारियोज के लिए और सी में जब ये शिप में सर्व करते हैं उसके वर्स्ट पॉसिबल सिनारियोज को भी इधर ट्रेनिंग मिलती है, चाहे वो स्विमिंग हो चाहे वो डाइविंग हो। जब मैंने INA ज्वाइन किया मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, बट जब पहली बार मैंने INA का स्विमिंग पूल देखा मेरे अंदर जोश भर गया कि स्विमिंग तो यहाँ पर आकर सीखनी ही है। यहाँ के कोचेस बहुत अच्छे थे, यहाँ पे स्पेशली 2 फीमेल कोचेस भी थी विमेन ट्रेनिस को सिखाने के लिए। स्टार्टिंग के कुछ दिन सिर्फ ग्लाइडिंग पे फोकस किया गया, बोर्ड से हमको स्विमिंग सिखाते थे। धीरे धीरे हम लोगों ने स्विमिंग 4 फीट से 5 फीट 6 फीट में जाना शुरू किया। मैं अपने फैमिली में 3rd जनरेशन डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर रही हूँ। ये जो 6 महीने का कोर्स है इसमें सब कुछ बराबर है महिला और पुरुष ट्रेनीज के लिए, कोई अंतर नहीं है। हमारे स्विमिंग टेस्ट, PT टेस्ट और जो अकेडमिक्स होते हैं वो सब एक जैसे हैं और हमें ट्रीटमेंट भी यहाँ पे सेम मिलता है ऑफिसर्स और सीनियर्स के द्वारा। जब मैं इंडियन नेवल अकेडमी आया तब मैंने सोचा था कि जो ट्रेनिंग होगी वो नेवल ओरिएंटेड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शिप्स के बारे में पता चलेगा और नेवी में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो पता चलेगा। बट जब मैं इंडियन नेवल अकेडमी आया तब मुझे पता चला ये इतनी बड़ी अकेडमी है, यहाँ टोटल लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं। टुडे हम इंटरऑपरेटेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों साथ में किस तरीके से काम करेंगे। हम कैंप्स करते हैं जिसमें नेविगेशन यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी जो सब जगह काम आती है। हमारी फिजिकल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए गए कि एक कैडेट 4 दिन तक बिना सोए लगातार ग्रूसम कैंप्स के दौरान भाग दौड़ कर सकता है, वॉर टाइम सिचुएशंस के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। INA में फिजिकल डेवलपमेंट के अलावा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का भी बहुत सारा एम्फोसिस लिया जाता है, तो इसलिए ही पढ़ाई लिखाई के लिए इतना बड़ा लाइब्रेरी लगा हुआ है INA में। 1.35 लाख बुक्स और पीरियडिकल्स हैं इसमें और जो भी जॉनरस के बुक्स, चाहे स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो मिलिट्री हिस्ट्री हो, चाहे वो अकेडमिक सब्जेक्ट्स हो या न्यूज़ पेपर्स हो, जो भी चाहिए इनको इधर रिसोर्सेज मिलती हैं कैडेट्स और ऑफिसर्स को। और ये इनके कंप्यूटर्स भी यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं और इनके ओवरऑल डेवलपमेंट को हेल्प करने ही इतना बड़ा लाइब्रेरी इधर सेटअप किया है ताकि ये ऑफिसर्स जो है ओवरऑल डेवलप हो जाए और इनके ओवरऑल डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का नेवी का ढेर सारा बेनिफिट हो जाए। कंप्राइजेस ऑफ 8 स्वॉर्ड प्लैटून्स ऑफ द पासिंग आउट 101st। आई वाज इनिशियली नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश बट आई हैव स्लोली पिक्ड अप एंड नाउ आई फील वेरी कंफर्टेबल विद लैंग्वेज। माय इंस्ट्रक्टर्स, कोचमेट एज वेल एज माय सीनियर हेल्प्ड मी एंड यस आई एम लर्निंग हिंदी आल्सो राइट नाउ। इंडिया आने के बाद हम इंडियन कैडेट के साथ बहुत ट्रेनिंग कर दिया, बहुत फेस्टिवल उनके साथ सेलिब्रेट कर दिया, ओणम, दिवाली और होली। होली इज़ अ वेरी गुड फेस्टिवल एंड उसके साथ हम घर के कमी कभी नहीं फील हुआ। आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू गिव अ क्लैरियन कॉल टू द यूथ ऑफ नेशन टू एम्ब्रेस दिस रॉयल प्रोफेशन ऑफ आर्म्स, you know, because it gives you a renewed sense of what I used to call it is
इज्जत, ईमानदारी और वफादारी। एंड फॉर एवरी जॉब डन वेल यू कैन प्राउडली से हर काम देश के नाम। जब मैं बाहर था मैं अच्छा रनर मानता था खुद को, बट जब मैं अकेडमी में आया मैं पार्ट था फ्लाइंग स्क्वाड्रन का, ईगल स्क्वाड्रन। उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना था, बट मेरे सीनियर्स ने मेरे को सिखाया कैसे भागना है, ब्रीदिंग पैटर्न कैसे और कैसे अपनी स्ट्राइड्स को ओपन करना है। हमने शुरू किया 3-4 किलोमीटर से, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 25 किलोमीटर तक हम गए ताकि एंड्योरेंस बढ़े हमारी। नॉर्मल क्रॉस कंट्री रन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 12.5 किलोमीटर, बट हमें ट्रेन किया जाता था कि हम 25-25 किलोमीटर भागे, अप स्लोप भागे, बीचेस पे भागे, हर तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक अच्छा रनर हूँ, मैं लंबे डिस्टेंस पे और अच्छी खासी पेस पे भाग सकता हूँ। युवा आकांक्षाओं और नौसेना की जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल बिठाकर INA में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो आगे चलकर भारतीय नौसेना की शौर्य की कहानी लिखने में काम आती है। विजन ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी इज टू ट्रांसफॉर्म एस्पायरिंग यंग मेन एंड वुमेन इनटू टेक्नोलॉजिकली प्रोफिशिएंट, आर्टिकुलेट, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, फिजिकली फिट जूनियर नेवल लीडर्स who are resilient in the face of every challenge, self-assured in every company, and imbued deeply with the Navy's core values of duty, honor, and courage. Not only the Indian Naval Academy, the world over, when faced with the crisis of COVID, they have in a manner reinvented themselves. And Indian Naval Academy was no different. We took upon ourselves to triumph over this adversity. All the training objectives were met in many manners. We also had to, on one odd occasion, even terminate the term leave so that we catch up on training, but we ensured that the training objectives were met. The cornerstone to achieve this is the pursuit of excellence by both trainers and trainees alike, with no leniency for mediocrity. I also foresee, considering the fact that we have sufficient infrastructure at the Indian Naval Academy, right now we have vacancies for almost about 114 foreign trainees to be trained here in the Indian Naval Academy. इस बार पासिंग आउट परेड की समीक्षा मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने भी की। इंडियन नेवल एकेडमी के इतिहास में यह पहला मौका था जब कोई विदेश रक्षा मंत्री पासिंग आउट परेड में मौजूद रही। The commandant of the Coast Guard, the Northern Area Commander, and there are many others who have had short interactions here as well. You know, even at present, I think there are about 8 to 12 of our Coast Guard personnel at the naval navigation courses in Kochi. And recently, when Admiral Chawla came to Maldives, you know, the friendliness, the cordiality, the brotherly bond, you know, that comes out of these sort of interactions by being in the same academy, being taught by them, you know, is something that we need more in the region as well. It builds trust, it builds respect, and you know, it's not only the lessons that are taught, but the bonds that are that come out of the lifelong friendships that come out of these trainings, which are more important, I think. भारत के वेस्ट कोस्ट में बनी ये भारतीय नौसेना एकेडमी एक ऐतिहासिक जगह पर स्थित है। प्राचीन काल में ये केरल का एक समृद्धशाली बंदरगाह था। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने एझिमाला का दौरा किया था। वैसे भारतीय नौसेना एकेडमी की शुरुआत 1969 में कोचीन में हुई थी और 1986 में इस एकेडमी को INS मांडोवी गोवा में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन ट्रेनिंग के लगातार बढ़ते दबाव के बाद एक स्थायी नौसेना एकेडमी बनाने का फैसला किया गया। इसमें कोस्ट गार्ड और नौसेना को एक साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। ऐसे में हर मापदंड पर एझिमाला के खरा उतरने के बाद इंडियन नेवल एकेडमी को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। इस एकेडमी में हर साल करीब 1100 कैडेट तैयार किए जाते हैं। इनमें भारतीय कोस्ट गार्ड और मित्र देशों के अफसर ट्रेनिंग भी शामिल हैं। वैसे इस एकेडमी के परिसर में ट्रेनिंग अधिकारियों के अलावा करीब 4000 लोग रहते हैं।
जो ट्रेनिंग से जुड़े या बाकी सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। सिद्धार्थ एमपी, एजीमाला, जी मीडिया। तो पिछली रिपोर्ट में आपने उन नौसेना अधिकारियों के पासिंग आउट परेड को देखा। अब वही ऑफिसर दुश्मनों के दांत कैसे खट्टे करेंगे, इसके लिए नौसेना के बेड़े में डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम को भी शामिल किया गया, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आईएनएस विशाखापट्टनम एक डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक है। ये गन दुश्मन के जहाज की जल समाधि बनाने में सक्षम है। आईएनएस विशाखापट्टनम पर ऐसे ही कई गन लगाए गए हैं। भारतीय नौसेना का पहला PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परमाणु हमले, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक का भी मुकाबला करने में सक्षम है। सूत्रों के मुताबिक आईएनएस विशाखापट्टनम में टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम भी लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इस जहाज पर मौजूद नौसैनिक किसी भी रासायनिक, जैविक या परमाणु हमले से बच सकते हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम एटॉमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले के दौरान न सिर्फ अपना सीना चौड़ा करके खड़ा रह सकता है, बल्कि समंदर में 1 किलोमीटर की गहराई में सबमरीन में छिपे दुश्मनों की कभी खोज सकता है। और यही वजह है कि ये इंडियन नेवी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जरूरत भी है। आईएनएस विशाखापट्टनम को बनाने में स्वदेशी स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बहुत ही मजबूत और हाई क्वालिटी का स्टील DMR-249A का प्रयोग किया गया है। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स लगे हैं, जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता लगा सकते हैं। ये सेंसर्स डेक पर ऐसी जगहों पर लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम्स लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से को नुकसान हो तो पूरा युद्धपोत काम करना बंद न करे। हमारे सी ट्रायल स्टार्ट हुए थे मार्च में, हमने काफी सेलिंग की तब से, मॉनसून्स में भी, रफ सीज में, एंड तब से वी हैव कम अ लॉन्ग वे। हमने काफी कुछ प्रूव किया है, जो हमारा ऑनबोर्ड प्रोपल्शन है, ऑनबोर्ड ऑक्सिलरी सिस्टम्स है, हमारे गन्स, हमारे सेंसर्स, रिडार्स जो आपको ऊपर दिखते हैं, प्रोग्रेसिवली हमने इन सभी को प्रूव किया है। युद्धपोत पर 2 जंगी हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाएंगे। आईएनएस विशाखापट्टनम पर 300 नौसैनिक और 50 अधिकारी हर वक्त तैनात रहेंगे। आईएनएस विशाखापट्टनम को समंदर में चलाने के लिए इसमें 4 गैस टरबाइन लगाए गए हैं। इन 4 गैस टरबाइन की वजह से ये युद्धपोत 30 नॉट की रफ्तार से समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ सकता है। ये गैस टरबाइन 4.6 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। हमारे पास 4 गैस टरबाइन इंजन है, जो इस 7,500 टन के जो शिप को, लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर को 30 नॉट्स यानी 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक हम प्रोपेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम खुद 4.6 मेगावाट की पावर खुद जनरेट कर सकते हैं। इस डिस्ट्रॉयर का नाम आखिर विशाखापट्टनम शहर के नाम पर क्यों रखा गया? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर विपिन कुमार त्यागी से सुनिए आईएनएस विशाखापट्टनम नाम रखने की वजह। हर एक शहर का एक जुड़ाव होना चाहिए हमारी सेनाओं के साथ, तो इंडियन नेवी का जुड़ाव हर एक शहर से हो, इस इंटेंशन के साथ में कुछ शहरों को स्पेसिफिकली पोर्ट सिटीज ऑफ द कंट्री हैव बीन नेम्ड, हैव शिप्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर द पोर्ट सिटीज ऑफ द कंट्री। और एक आप देखेंगे कि इससे पहले P-15 Alpha प्रोजेक्ट जो हुआ था, उसमें भी सारे डिस्ट्रॉयर्स का नाम शहरों के नाम पर रखा गया था। उससे पहले डेली क्लास रहा था, उसका भी नाम शहरों के नाम पर रखा गया था, और उसी ट्रेडिशन को हम फॉलो करते हुए हमने विशाखापट्टनम क्लास का नाम शहरों के नाम पर रखना शुरू किया है। आईएनएस विशाखापट्टनम को तैयार होने में 3 साल की देरी हुई है, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसकी ताकत और खूबी इसे दूसरे जंगी जहाज से अलग करती है। अगले कुछ सालों में भारतीय नौसेना को 3 और डिस्ट्रॉयर मिलने वाले हैं, जिसके बाद समंदर में हिंदुस्तान की बादशाहत का मुकाबला करना बड़े से बड़े दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा। राकेश त्रिवेदी के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, आईएनएस विशाखापट्टनम, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.